कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेकाब अभिनेत्रियों में से एक हैं। हाल ही में अपनी फिल्म धाकर का प्रमोशन कर रही कंगना काफी फायर मूड में नजर आ रही हैं। एक एक करके उन्होंने इंडस्ट्री के सारे दिग्गजों पर निशाना साधा है और अब बारी थी स्टार किड्स की तो कंगना उन्हें कैसे छोड़ देती। 4 नेशनल अवार्ड जीतने वाली कंगना ने बॉलीवुड के स्टार किड्स के लिए जो कहा उसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल एबीपी लाइव को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने खोलकर अपनी बात रखी। कंगना का कहना था कि पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु और कन्नड़ फिल्में धमाल मचा रही है। उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया है। RRR और KGF चैप्टर 2 दोनों ने ही 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। वहीं पुष्पा द राइज ने भी हिंदी बेल्ट पर 100 करोड़ का बिजनेस किया। इन फिल्मों के हिंदी वर्जन ने बॉलीवुड फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पानी पिला दिया है। कंगना का मानना है ऐसा इसलिए क्योंकि दर्शक स्टार किड्स को पसंद नहीं करते हैं और बॉलीवुड में ऐसो की ही फिल्में दी जाती है। इस बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने आगे कहा कि साउथ फिल्म मेकर्स अपने दर्शकों के साथ जुड़े होते हैं, ये जुड़ाव काफी मजबूत होता है। उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड में स्टार किड्स पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, फिर वे अंग्रेजी में बात करने लगते हैं और हॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं। वो चाकू और कांटे से खाते हैं और उनका एक्सेंट भी अलग होता है। इसके बाद कंगना ने जो कहा उसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। कंगना आगे कहती है स्टार किड्स देखने में भी अजीब से ऐसे लगते हैं जैसे उबले हुए अंडे। उनका पूरा लुक बदल गया होता है और लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। सफाई देते हुए कंगना आगे कहती है मेरे कहने का मतलब किसी को ट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं कंगना ने साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन का उदाहरण भी दिया और कहा देखो पुष्पा कैसे दिखता है, जिसे हम जानते हैं हर मजदूर उससे जुड़ पा रहा है। आज के समय में हमारा कौन सा हीरो मजदूर की तरह दिख सकता है, इस रोल में फिट बैठ सकता है। बता दें कि 20 मई को उनकी फिल्म धाकर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कंगना के साथ अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।